गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ वर्षा चावला, आई एम ए रेकी हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। आज अपने इस चैनल पे मैं एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ अपने देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, और वो है एंजल थेरेपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंजल्स क्या होती हैं, वो हमारे लिए कैसे काम करती हैं, हमें कैसे मोटिवेट करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजल्स। एंजल्स यानी कि देवदूत, यानी कि भगवान के भेजे हुए ऐसे देवदूत जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। ये हर इंसान के साथ होते हैं जन्म से ही। किसी के साथ जन्म से ही एक एंजल, किसी के साथ दो, किसी के साथ तीन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे स्पिरिचुअल गाइड होते हैं। आपने टीवी में और सीरियल्स में भी देखा होगा कि जब एक इंसान कंफ्यूज होता है या वो कोई षड्यंत्र रच रहा होता है तो कैसे दो इमेजेस आके उसके दोनों तरफ खड़ी हो जाती हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो एंजल्स का क्या होता है, ये बहुत ही दयालु होती हैं। ये भगवान और इंसान के बीच में एक पुल बनाती हैं। इन शॉर्ट कहें तो ये हमारे मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे मैसेज भगवान तक पहुंचाते हैं, हमारी विशेस को यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। और जब हम एक विश को यूनिवर्स में भेजते हैं इन ए पॉजिटिव वे, तो हमारी विशेस जरूर से जरूर पूरी होती हैं। अभी मैं आपको कैसे बताऊं, आर्क एंजल्स, आर्क मीन्स एम। इनका एम ही होता है मानवता की मदद करना। जी हाँ, इसी तरह आर्क एंजल्स होती हैं, और जिसमें बहुत सारी एंजल्स होती हैं। अगर हम अपने हिंदू धर्म में कहें, वैसे तो इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको, एंजल्स को आप अच्छे से समझ सके इसलिए बता रही हूँ। जैसे लॉर्ड गणेशा हो गए, लॉर्ड बुद्धा हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, जीजस हो गए, इसी तरह जितने भी हमारे धार्मिक गुरु रहे हैं या जिन्होंने हमें अध्यात्म और मानवता का पाठ पढ़ाया है, वो सब हमारे लिए एंजल्स हैं। साईं बाबा ने दुनिया में लोगों बुराइयों का मतलब अंत किया, बहुत सारी अच्छी चीजें दुनिया को सिखाई, तो ये हमारे लिए एंजल्स हैं। जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो अगर हम सच्चे दिल से अपने एंजल्स को याद करें तो हमारा काम जरूर से जरूर हो जाता है। और ये सब चीजें आप सबने कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस की होंगी। अभी एंजल्स काम कैसे करते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। अगर आप इन पे तहे दिल से विश्वास करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से इनके आगे सरेंडर कर देते हैं कि लो जी, मैंने तो अब अपना सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, अब आपने ही मेरी नैया को पार लगाना है। सबसे पहली चीज है विश्वास, तभी ये आपके लिए काम करेंगे। जब आप इन पे विश्वास करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, इनको प्यार करेंगे, तभी ये आपके लिए काम करते हैं। और ये एंजल्स कभी भी बिना मांगे मदद नहीं करते हैं। आपको इनसे मदद मांगनी पड़ेगी, आपको प्रेयर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है, तभी ये आपके लिए काम करेंगे। बहुत सारे एंजल थेरेपिस्ट हैं, मैं भी बनने वाली हूँ एंजल थेरेपिस्ट। तो एंजल्स के माध्यम से बहुत ही परफेक्ट हीलिंग होती है, बहुत ही सटीक हीलिंग होती है। ये एंजल्स जो टोटल एंजल्स हैं, इसमें से कुछ एंजल्स हमारे चक्रास के लिए भी काम करती हैं, हमारे चक्रास के साथ ही काम करती हैं। वो है आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल गैब्रियल, आर्क एंजल रफियल और आर्क एंजल यूरियल। ये चार एंजल्स ऐसी हैं जो हमारे चक्रास के साथ काम करती हैं। अब हम एंजल से कैसे अपना काम करवा सकते हैं फ्रेंड्स। एंजल से काम करवाने के लिए सबसे पहली चीज, हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, हमारे सातों चक्रास को शुद्ध करना पड़ेगा, उनको हील करना पड़ेगा, उनको एनर्जाइज करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको एक अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। और दूसरी चीज, आपको इन पे फेथ करना होगा। आप देखिए, आप अपने पेरेंट्स पे फेथ करते हैं जब हम छोटे होते हैं, हम अपने माँ बाप पे ब्लाइंड फेथ करते हैं और अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं कि ये हमारे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे। इसी तरह जब आप बड़े हो जाते हैं, आपकी लाइफ में हर्डल्स आने शुरू हो जाते हैं या आपको एक परफेक्ट लाइफ चाहिए होती है, तो आपको इन एंजल्स पे भी फेथ करना होगा। अब आप घर से बाहर निकले, आपने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं,
तो प्रे करके छोड़ दो ना कि भगवान मैं जा रही हूं आज के इस टाइम में, आपने ही मेरी रक्षा करनी है। लेकिन अगर आपके मन में कहीं ये डाउट आता है, अरे कोई रास्ते में लूट ना ले, कोई चेन स्नेच ना कर ले, कोई ये ना कर ले, अगर वो डाउट जहां आएगा ना, वहां पर एंजल्स और हमारी प्रेयर्स काम नहीं करेंगी। अब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ घर से निकलना है, और आप जिसको भी मानते हैं, गुरु नानक देव को मानते हैं, जीजस को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उससे बस प्रेयर करके निकलिए कि मैं अपना अच्छा कर्म करने जा रहा हूं, बाकी आपके हाथ में है। तो अगर आप एक डाउट लेके मन में जाएंगे कि पता नहीं इंटरव्यू कैसा होगा, मेरी बात बनेगी कि नहीं बनेगी, वहां पे आप मार खा जाएंगे। एंजल्स तभी काम करती हैं फ्रेंड्स जब आप उनके आगे 110% सरेंडर हो जाते हैं, उन पे 110% आप अपना विश्वास दिखाते हैं, तभी वो आपके लिए काम करती हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही देख लो, वो भी इसी से रिलेट करता है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको पॉजिटिव ही मिलता है। अगर आप 1% भी नेगेटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको नेगेटिव का ही सामना करना पड़ता है। अब एंजल हीलिंग कहाँ कहाँ काम करती है फ्रेंड्स? एंजल हीलिंग हमारी लाइफ के हर पार्ट पे काम करती है, हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को खोलने में, हमारी हेल्थ को लेके, हमारे रिलेशनशिप्स को लेके, हमारे आसपास अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं तो हम अगर थोड़ी देर मेडिटेट करके जिस भी एंजल को, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को याद करेंगे, मेडिटेट करेंगे, और आप 5 मिनट 10 मिनट की मेडिटेशन के बाद खुद में फर्क महसूस करिए। जी हाँ फ्रेंड, अब हम कैसे महसूस करें कि हमारे आसपास एंजल्स हैं? कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं किसी काम से और वो काम हमारा बन जाता है, इसका मतलब हमारी एंजल्स हमारे साथ हैं, क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ ही रहती हैं। लेकिन ये हेल्प तभी करती हैं जब हम इनको बुलाते हैं, जब हम इनको प्रोवोक करते हैं कि आइए और हमारी मदद करिए, तभी ये हमारे लिए काम करती हैं। आज के जमाने में कुछ भी ऐसे नहीं मिलता है तो इनको भी कॉल करना पड़ता है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जिसे आज भी कई पंडित लोग कहते हैं कि हम पे पूर्वजों का ऋण है, हमारे पितर नाराज हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, जितने भी हमारे फैमिली में अच्छी आत्माएं होती हैं, ये हमारे लिए एंजल की तरह हो जाती हैं, ये हमारे लिए एंजल का काम करती हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ये अपने आने वाली पीढ़ी को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है, सब आत्माएं अच्छी ही होती हैं, ये भ्रम ही फैला रखे हैं लोगों ने। सबसे बड़ी चीज होती है बिलीव करना। अगर आप बिलीव करते हैं तो ये हमारे लिए काम करती हैं। इस धरती से ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जहां पे ये आर्कएंजल्स रहती हैं और परमात्मा और हमारे बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं। आप डेली 10 मिनट अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करके ओम का जाप करिए, आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया एंजल्स क्या होती हैं, ये हमारे लिए कैसे काम करती हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी एंजल्स किस किस थेरेपी के लिए काम करती हैं, कौन कौन से चक्रास पे काम करती हैं। अगर आपको एंजल थेरेपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको रेकी सीखनी है, टैरो कार्ड सीखना है, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपको पर्सनल सेशन मेरे साथ करने हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव।